बुधवार की सुबह पीतमपुर में स्वामी असीमानंद महाराज का आगमन हुआ। हिंदू जागरण मंच संगठन के कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने जोर शोर से स्वामी जी का स्वागत किया। 500 साल के संघर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर स्वामी जी ने अपने विचार रखे। आपको बता दें, स्वामी असीमानंद सामान्यतः हिंदू विचारवादी आंदोलनों में भूमिका निभा चुके हैं। वहीं स्वामी जी सोशल मीडिया के जरिए अखंड भारत, लव जिहाद, हिंदू एकता पर व्याख्यानों के जरिए भी प्रचार प्रसार करते हैं। स्वामी जी के आगमन पर हरि सिंह रघुवंशी, पंकज रघुवंशी एवं हिंदू जागरण मंच के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पीतमपुर से हरिकेश द्विवेदी की रिपोर्ट। आज हमारे हिंदू समाज के लिए सबसे गौरव का दिन है कि इतने सालों के बाद में भगवान श्री राम को हम लोग फिर से प्रतिष्ठित करने के लिए जा रहे हैं, और इसमें तो खुशी की तो बात है, इसके कहने का नहीं है। लेकिन मेरे सोच में ऐसा है कि ये जो भगवान श्री राम है, भारतवर्ष का, अपना देश का, संस्कृति का, धर्म का प्रतीक है। इसलिए देश के रहने वाला सभी को इस आनंद में भाग लेना चाहिए। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, खाली हिंदू इसको अपना त्यौहार मान रहा है, बाकी जो धर्म वाला है उन लोग तो इसको ठीक ढंग से ग्रहण नहीं कर पा रहा है। ये हमारा दुख की बात है। बाबर जिस समय थे उस समय की बात अलग है, उस समय अपना देश का स्थिति, और अभी अपना स्वतंत्र भारत है, तो स्वतंत्र भारत में अपना देश का जो गरिमा है, महिमा है, उसको सब लोग मिलकर क्यों नहीं कर रहे। बाबर का जो हिंदू अपना हिंदू मंदिर का ध्वंस करने के लिए जो मानसिकता था, वो मानसिकता अभी भी हमारे देश के लोगों के अंदर में क्यों है। सर, ये मानसिकता को हमारे देश के हिंदू लोगों का ये काम है कि हमारे देश में रहने वाले किसी के अंदर में भी इस तरह से भाव, इस तरह की चिंता नहीं होना चाहिए कि देश के साथ एक होकर रहना, ऐसा हिंदू समाज तैयार करे और ऐसा मजबूरी करे रहना ही पड़ेगा। हमारे देश में रहना है तो हिंदू धर्म और संस्कृति के साथ में एक होकर रहना है।